नमस्कार, मैं हूँ राजन मिश्रा और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से गायत्री देवी जो है वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और सड़कों पे निकल चुकी हैं, ई रिक्शा चला रही हैं, लेकिन उनके साथ सामने जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वैसे तो आज उनका पाँचवा दिन होता, लेकिन अभी वो सिर्फ 3 दिन रिक्शा चला चुकी हैं, क्योंकि आज हम जब निकले तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से उनका रिक्शा जो है वो ख़राब हो जा रहा है। कल भी उनका रिक्शा खराब हो गया था और आज भी उन्हें जो रिक्शा मिला था वो ख़राब हो गया, उसे टोचन करके बनने के लिए ले जाया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो है नुकसान हो रहा है। गायत्री जी हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। गायत्री, आज आप फिर से निकली थी, वैसे आपका पाँचवा दिन होता जी, लेकिन 2 दिन से आपका रिक्शा खराब हो जा रहा है। हाँ। आज कहाँ पर खराब हुआ था रिक्शा? आज ये पॉलिटेक्निक के चौराहे पर खराब हुआ था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, फिर रिक्शे वाले भैया ने मदद करके एक साइड लगवाया है। रिक्शे वालों ने मदद की आपकी? तो जैसे देखा जाए, परसों भी आप बता रहे थे कि रात में आपका रिक्शा कहीं खराब हुआ, पुलिस वालों ने हेल्प किया था? हाँ, पुलिस वालों ने हेल्प किया। कहाँ पे हुआ था? तभी भी यही पॉलिटेक्निक चौराहे पे ही हुआ था। अच्छा, तो मतलब आपका आप इसी पे चलाती है, मतलब भंडारी से लेकर पॉलिटेक्निक होते हुए? नहीं, भंडारी से लेकर के मैं वहाँ कचहरी तक चलाती अच्छा। हूँ, और यहाँ नईगंज, भंडारी, सब जगह जहाँ की भी सवारी मिल जाए, जहाँ का भी मुझे रास्ता पता हो। तो लगता है कि अगर आपको रिक्शा अच्छा मिलता तो कमाई होती। दो दिन से आप काफ़ी दिक्कतें भी हो रही होंगी। जी सर, आज का रिक्शा बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, ढंग से चल भी नहीं रहा था, और आखिर में यहाँ पे आके बंद हो गया। अच्छा, रोज आपकी सिस्टर आपके साथ रहती थी, आज वो भी नहीं थी, तो कुछ वो भी नर्वस आप होंगी? हाँ, थोड़ा तो नर्वस थी ही मैं, पर यह है कि रिक्शा सही रहता तो ठीक रहता, क्योंकि अब कब तक बहन साथ में रहेगी। काफ़ी सपोर्ट कर लिया उन्हें, काफ़ी मतलब घर में भी काम रहते हैं, बच्चे हैं, बच्चा बीमार हो गया है, तो इसलिए आज वो नहीं आ पाई। या बिल्कुल, देखिए गायत्री जी हैं और इनका रिक्शा जो है वो ख़राब हो गया है, टोचन करके ले जाया गया है, और ये जो है परेशान है। तो हम वीडियो के माध्यम से अपील करेंगे कि जो लोग भी इनकी मदद को आगे आना चाहते हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया हमारे वीडियो पे कि आप इनका अकाउंट नंबर शेयर करिए, तो हमने अकाउंट नंबर भी शेयर किया है, और साथ में इस वीडियो के साथ भी हम अकाउंट नंबर शेयर कर देंगे। जो भी है समाजसेवी हो या चाहे नेता हो, जो इनकी मदद करना चाहे सीधे मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब इनके पास खुद का रिक्शा हो जाएगा तो इन्हें किसी को किराया नहीं देना पड़ेगा, उसका भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, और ये मेहनत करेंगी और अपने सपनों को साकार करेंगी। तस्वीरें दिखाएं, यहाँ देखिए लोग भी मौजूद हैं जो कि यहाँ के लोग हैं, जौनपुर के लोग हैं। गायत्री जी, जौनपुर के लोगों को सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी सर, जौनपुर के लोग काफ़ी अच्छे हैं। देखिए बता रही है कि जौनपुर के लोग काफ़ी अच्छे हैं और लोग इनकी मदद भी कर रहे हैं, तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी इनकी मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, जिससे इनका खुद का रिक्शा हो और ये अपने बेटी को जो है डॉक्टर बनाने का जो सपना देखी है वो इनका सपना पूरा हो सके।